रामटेक, पर यहाँ पे कहीं पे दिखा है बोर्ड में वीडियो शूटिंग बना है, बाकी देखते हैं कि क्या होता है, करने देते हैं नहीं देते हैं, देते हैं क्या होता है। हाथी भी नहीं लग रहे, गेंडा या सुअर टाइप का कुछ। ओ तो आप तो बोल रहे थे यहाँ पे बहुत बड़ा हनुमान जी का मूर्ति है। ये पैदल पैदल यात्रियों के लिए चढ़ाई है ये। जय हो बजरंगबली। राधा कृष्ण मंदिर अगस्ती मुनि आश्रम ले लो प्रसाद अगर लेना तो। देखो वो ले जाएंगे। अच्छा हेलो, जूते का यहाँ पे निःशुल्क अंशदान कर रहे हो आप। यहाँ जूता उतार दिया जी जी, बढ़िया बात है। पुराने वित्त चित्र बने हुए हैं मंदिर में। बजरंग बली की जय। ये मुख्य प्रांगण है मंदिर का। तो रामटेक मंदिर में हम दोनों के दोनों अपने कैमरे को छुपा के शूटिंग करते हुए, यहाँ पे बहुत जगह लिखा हुआ है फोटो खींचना मना है, फोटो खींचना मना है, और वीडियो खींचना तो बिल्कुल मना, लेकिन फिर भी हम लोग खेच लिया हूँ, दिखाऊंगा लगाऊंगा अंदर। जय माता की, जय श्री राम। चक्कर लगा लो अंदर नहीं गएगा। ये है लक्ष्मण स्वामी मंदिर।
है? चढ़ा देता हूँ। हाँ हाँ चढ़ा दो, कोई मतलब नहीं, फूल को चढ़ा देता हूँ। शाबाश। डर क्यों रहे हो? तो मंदिर का पीछे मंदिर दर्शन हो गया, अभी नीचे वापिस, पहले सीढ़ियों से फिर गाड़ी से। तो यहाँ से नागपुर, नागपुर से हो सकता है कैलाशा टेंपल जाए, और उसके बाद अजंता एलोरा केव, अगर वो रूट फॉलो करते हैं तो फिर शिरडी, शिरडी से शनि सिंगनापुर तो उसके पहले क्या था, नासिक के बाद क्या है, त्र्यंबकेश्वर जा सकते हैं नासिक होते हुए, और उसके बाद भीमा शंकर से शनि सिंगनापुर। नहीं तो रिवर्स में प्लान बनेगा, पहले शनि सिंगनापुर और बाकी चीज़ें फिर बाद में होंगी, देखते हैं कैसे हम प्लान बनाते हैं। बाकी ये बहुत खूबसूरत मंदिर है, आना चाहिए। अच्छा विष्णु अवतार वराह मंदिर, तो ये भगवान विष्णु का मंदिर है जो शुरुआत में हमने देखा था। ये भगवान विष्णु का मंदिर है। जनाब लोग बैठे हुए हैं, कच्चा चिवड़ा भेल है, नींबू शरबत सोडा है। अब बताओ क्या लगा, बताओ दाल का फुलका लेते हैं, चिवड़ा तो नहीं खाना है, चिवड़ा और बिवड़ा नहीं खाओगे, चलते हैं उधर कुछ मिल जाएगा। कितने का ये बेर? 10 रुपए का। तो ये क्या चीज खाते हुए दिख रहा है, काला बैर, बैर क्या बैर है, काला वाला चाशनी युक्त तो बैर है, मीठा है, खट्टा नहीं होगा शायद, किसी चाशनी में डूबो के बनाया गया है, शक्कर डाल के, गुड़ शक्कर डाल के। तो यहाँ पे रास्ते में वापसी में मुझे बढ़िया सा तालाब दिखा है, जो कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी देखें, मज़ेदार है, शानदार, गाड़ियाँ जा रही हैं, हम लोग शायद उस तालाब को देखने ना जाएं, पर शानदार तालाब है ये। मंदिर में नीचे के रास्ते हैं, और इस पे भी लोग पर्यटक आए हुए हैं, तालाब का, इस विहंगम तालाब का विहंगम आनंद लेने, बोट वगैरह, बोटिंग वगैरह की भी यहाँ पे व्यवस्था है, तो जब भी आए इसका भी आनंद ले, नीचे जाके रास्ता है।
जहाँ से हम ऊपर के लिए कट गए थे वहाँ से नीचे का रास्ता। तो अपना अरे इतना धीरे क्यों करते ऐसे क्यों? तो अपना डिनर टाइम, रुक गए सत्संग ढाबा, देखते हैं क्या खिलाते हैं। तो ना रहा बैठो। ये ऑर्डर किया है गोभी, गोभी मटर आलू। ये जिया जी दबाते हुए, चालू नहीं किया दबाना भैया, अभी चालू नहीं किया, मैं भी दबाऊंगा। दबाओ जी, यही बताओ कितना टेस्टी है, कैसा लगा? ठीक है। नॉर्मली सब्जी की भी प्याज तो है।